गाइज वेलकम बैक क्रिप्टो लवर फॉर एवर। एंड आज के इस वीडियो के अंदर जो है हम पाई केवाईसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी पाई की केवाईसी ऑलमोस्ट जो है 90% तो आ चुकी है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी अभी पाई की केवाईसी नहीं आई है। एंड बहुत से लोग हैं जिनकी केवाईसी आ चुकी है बट उन्हें जो है केवाईसी करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और कौन कौन सी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ सकती हैं और उसका क्या सोल्यूशन है, कैसे रिसॉल्व होगा, तो ए टू जेड सारी अपडेट्स हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। एंड आपको बताएंगे कि आप जो है अपनी पाई की केवाईसी को इजीली से कैसे कर पाएंगे। तो गाइज, लेकिन उससे पहले आप लोगों से छोटी सी विनती है कि अगर अभी तक आपने अपने ऑफिशियल क्रिप्टो लवर फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार क्रिप्टो से जुड़ी नॉलेजबल वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। एंड साथ में ही आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, सो आप वहां से जो है टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको मैं वीडियो के अंदर नहीं कवर कर पाता हूं, तो यहां पे मैं आपको जो है चैट के माध्यम से दे देता हूं, तो आप यहां पे देख सकते हैं। सो यहां पे आप चाहें तो मुझसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं, सो इसीलिए आपको जो टेलीग्राम ज्वाइन करना मस्ट है, सो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो बिना किसी देरी के हम अब अपने चलते हैं टॉपिक को और देखते हैं कि हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है पाई नेटवर्क के अंदर। सो लेट्स बिगिन स्टार्टेड। सो गाइज, फर्स्ट प्रॉब्लम जो आपको पाई के अंदर फेस करने को मिल सकती है वो है कि आपकी जो है पाई की केवाईसी ही नहीं आई है। सो पाई की केवाईसी को हमें कैसे लाना है, सो उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको पाई की केवाईसी के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सिंपल से आपको जो यहाँ पे जो है आपको ये थ्री डॉट्स की जो लाइन दिख रही है, तो यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे टैप करना है। एंड टैप करने के बाद में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है पाई ब्राउज़र का, तो सिंपली से आपको जो है पाई ब्राउज़र पे टाइप करना है। सो ये आपको जो है प्ले स्टोर के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा, एंड वहाँ पे आपको जाके वहाँ से इसको जो है सिंपली से डाउनलोड कर लेना है। एंड इसको इंस्टॉल करने के बाद में आपको जो है ओपन करना है अपना पाई ब्राउज़र को। तो सिंपल से जैसा कि हमने पाई ब्राउज़र को ओपन कर लिया है, एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा वैलेट पाई का, तो आपको सबसे पहले अपना एक वैलेट को क्रिएट कर लेना है। एंड वैलेट को क्रिएट करने के बाद में उस पासवर्ड को जो है पाई के अंदर जाके वहाँ पे जो है आपको जो है इंटर करना पड़ेगा, एंड उसके बाद में आपका जो वैलेट क्रिएट हो जाएगा। सो उसके बाद में आपको यहाँ पे फिर से आना है, एंड यहाँ पे आपको जो है केवाईसी पाई का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको जो है सिंपली से इसमें टैप करना है। जैसे ही आप केवाईसी पाई पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा जिसमें लिखा होगा कि योर पाई केवाईसी के लिए जो है आपको जो है वहाँ पे जो सूचना सेंड कर दी गई है, थैंक्स फॉर चूजिंग पाई केवाईसी, एंड आपको जल्दी पाई केवाईसी रिसीव हो जाएगी। सो ये जो डायरेक्टली मेल जो है वो आपकी बस से टच करते ही पाई टीम के पास चली जाएगी, एंड वहाँ से जो है आपकी जो पाई केवाईसी के लिए जो अप्लाई हो जाएगा एंड आपकी जो पाई केवाईसी आ जाएगी। एंड सिंपली से नंबर दो पे काफ़ी लोगों को जो है पाई की केवाईसी में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है जो है अपने उनके जो डॉक्यूमेंट्स को लेकर। सो जैसे ही मुझे भी सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, तो मैंने जब बात किया, जब मुझे मालूम पड़ा, तो मैंने सोचा आपको जो है इसमें एक स्पेसिफिक वीडियो बना देता हूँ। सो मैंने आपके लिए जो एक वीडियो लेकर आया हूँ। सो यहाँ पे जैसे आप देख पाए होंगे कि पाई केवाईसी पे जैसे ही आप टैप करेंगे एंड आपकी जो डिटेल्स वगैरह तो जो है इजीली से भर जाएंगी, एंड डिटेल भरने के बाद में आपको यहाँ पे जो है नीचे सिंपली से देखने को मिलेगा कि आपकी जो है ना पिक्चर एक्सट्रैक्शन को जो फेल्ड कर दिया गया है, जो मैं आपको जो है स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको यह प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है कि आपको बार बार जैसे ही आप जो है एक बार दो बार तीन बार ट्राई करते हैं, लेकिन आपका जो है रिपलोड जो फ़ोटो आती है बार बार से आपको देखने को मिलता है कि पिक्चर अट्रैक्शन जो फेल्ड हो रहा है आपका। सो ये आपको जो मैं बता दूं, ये सिंपली से दो कारण इसके हो सकते हैं। पहला कारण तो यह है कि आप जो है पिक्चर को सही तरीके से जो है एक नीचे आप वाइट बैकग्राउंड रख लीजिए, एंड उसके ऊपर आप जो अपना नेशनल आईडी कार्ड रखें, एंड उस आईडी कार्ड पे जो आप थोड़ा सा ऐसे हिसाब से रखें कि उस पे जो आईडी कार्ड पे उजेला हो, आपको जो आईडी कार्ड की फ़ोटो काफ़ी क्लियर आए, एंड आपको जब उसे अपलोड कर देना है, एंड अपलोड करने के बाद में जो है आपका डॉक्यूमेंट इजीली से अपलोड हो जाएगा। एंड अगर उसके बाद भी आपको यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो उसका एक सिंपल से फार्मूला यही है कि आपकी जो पाई की केवाईसी करने के लिए आपने जिस डॉक्यूमेंट का उपयोग किया है
तो वो डॉक्यूमेंट आपका हो सकता है 8 साल 5 साल लगभग ऐसे ही समथिंग जो है आपका, जो काफ़ी टाइम ओल्ड पुराना जो है आपका डॉक्यूमेंट है, एंड उसमें जो आपकी जो फ़ोटो है वो काफ़ी पुरानी है, एंड आपके चेहरे से जो है वो पुराना चेहरा मैच नहीं कर रहा है। सो इस सिचुएशन में जो है आपकी जो पाई की केवाईसी है उसका जो फाइल एट्रैक्शन है वो फेल्ड हो जा रहा है। तो यहाँ पे आपका जो पहला सिस्टम ये हो सकता है कि आपकी जो फ़ोटो मैच नहीं कर रही है एंड ओल्ड फ़ोटो से, या दूसरा सिस्टम हो सकता है कि आपके जो नेशनल फ़ोटो है उसमें जो है आपके जो है दाढ़ी मूछें नहीं है, लेकिन अब जो है आपने जो फ़ोटो अपलोड की है तो उसमें जो है आपकी दाढ़ी मूछें हैं, तो आपकी जो इस सिचुएशन में जो है आपकी जो फाइल की केवाईसी वो फेल्ड हो जाएगी। हो सकता है आपने कैप रखा रखी हो एंड जो आपकी जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपने कैप नहीं लगा रखा है, सो भी आपकी पाई केवाईसी नहीं हो पाएगी। सो उसके लिए आपको सिंपली से करना क्या है, जैसा आपका जो आईडी कार्ड में जैसी फ़ोटो है आपको सेम वैसा ही बनना पड़ेगा, तभी आपकी पाई केवाईसी जो सबमिट हो पाएगी। अन्यथा जो है आपको जो है अपने जो डॉक्यूमेंट को जो है सही तरीके से जो आपकी पाई फ़ोटो से मैच कर रहा हो, आपकी प्रोफाइल से मैच कर रहा हो, ऐसी जो है आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे तो आपकी सिंपली से पाई केवाईसी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो पहला मैंने आपको बता दिया, दूसरा आपको पहला मैंने आपको बताया कि आपकी पाई केवाईसी कैसे लानी है, एंड दूसरा मैंने आपको बता दिया कि आपकी जो पिक्चर एट्रैक्शन फेल्ड हो रही है तो वो कैसे रिसॉल्व होगी, एंड थर्ड जो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि उनका जो मोबाइल नंबर जो है ऐड नहीं हो रहा है। तो मोबाइल नंबर ऐड करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपल से आप देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पे जो है आपके जो मोबाइल नंबर को फ़ोन नंबर को जो है वेरीफाई करने का ऑप्शन शो कर रहा है, एंड यहाँ पे जो जैसा मैंने आपको बताया कि आपकी जो केवाईसी पिक्चर एट्रैक्शन फेल्ड हो रही है उसके लिए आपकी जो केवाईसी यहाँ पे आपको पेंडिंग दिख रही होगी। तो यहाँ पे जो आपका जो वेरीफाई के लिए ऑप्शन शो कर रहा है तो आपको इसमें सिंपली से टैप करना है, एंड आप जैसे ही टैप करेंगे तो उसके बाद में आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, एंड सिंपल से आपको यहाँ पे जो है आपको जो एक स्टार्ट का जो ऑप्शन शो कर रहा होगा तो आपको सिंपली से इसमें टैप करना है। जैसे ही आप टैप करेंगे तो आपके सामने जो है आपके जो ओपन मैसेज का ऑप्शन शो हो जाएगा, ओपन SMS का। तो यहाँ पे आप जब टैप करेंगे तो आपके सामने एक 4 डिजिट का कोड ऑटोमेटिकली आपके मैसेंजर पे ओपन हो जाएगा, एंड आपको वहाँ पे सिंपली से सेंड कर देना होगा। एंड जैसे ही आप सेंड करेंगे उसके बाद आप बैक कर देंगे, आपकी KYC हो जाएगी। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि आप जब मैसेज को सेंड करेंगे तो आपका जो है अनलिमिटेड पैक वाले जो रिचार्ज है उससे यहाँ पे आप SMS को सेंड नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है स्पेसिफिक जो है आपको टॉक टाइम का जो है आपको रिचार्ज करना ही पड़ेगा। सो आप यहाँ पे जो है इजीली से 5 रुपये का जो चार्जेज यहाँ पे लगता है, सो आप जो है 1 10 रुपये वाला रिचार्ज कर सकते हैं एंड अपनी KYC को यहाँ पे कर सकते हैं। एंड अगर आपकी KYC फिर भी नहीं हो रही है तो आपको यहाँ पे USA से नहीं हो पा रही है तो आपको यहाँ पे जो है अपना जो यूनाइटेड किंगडम को ट्राई कर लेना है। लेकिन अगर फिर भी आपकी KYC नहीं हो रही है तो आपको मैं बता दूँ कि आपकी KYC तब तक कम्प्लीट नहीं हो पाएगी, मतलब आपका जो मोबाइल नंबर तब भी वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। तो आपके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपका नंबर वेरीफाई करने में बस एक प्रॉब्लम और आपको फेस करनी पड़ रही है, वो क्या है कि जब तक आपकी इजीली से KYC वेरीफाई नहीं हो जाती तब तक आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर नहीं ऐड कर पाएंगे। यहाँ पे आपको सेम प्रॉब्लम जो है फेस करने को देखने को मिलेगी। सो प्लीज़ पहले जो है अपनी आप KYC को डन कीजिए, जैसा मैंने मेथड आपको बताया उसी प्रकार आप यहाँ पे अपनी KYC को कंप्लीट कीजिए, एंड जैसे ही आपकी KYC कंप्लीट हो जाएगी सो आप सिंपली से यहाँ पे जो है अपने SMS को जो सेंड करके अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर पाएंगे, एंड आपका जो है माइग्रेट के लिए चला जाएगा। एंड 7 से 8 दिन लगते हैं लगभग माइग्रेट के लिए, तो वहाँ पे जो सिंपली से माइग्रेट हो जाएगा, एंड आपका जो ये फंड आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं ये जो है आपको जो आपने वहाँ पे वैलेट को बनाया था उस वैलेट में जो है माइग्रेट कर दिए जाएंगे। सो वहाँ पे आप जो है मेन नेट के अंदर ट्रांसफ़र होते ही आपको वहाँ पे जो है वेट करना है, एंड जैसे ही पाई की जो लिस्टिंग होती है तो आप यहाँ पे सेल आउट भी कर पाएंगे। लेकिन गाइज यहाँ पे जो सेम प्रॉब्लम आपकी KYC को फेस करने में हो रही है तो आप पहले जल्दी से जल्दी इसको जो कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जो पाई जो धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप जो अपनी मेन नेट एंड माइग्रेटिंग की तरफ जो स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पे जो है आप पीछे ना रह जाएं, इसलिए जो है आप भी थोड़ा
तो आप पे चलें एंड जो आपकी जो प्रॉब्लम फेस करनी कर रहे हैं उसको जो है आप जल्दी से जल्दी रिसॉल्व करें। एंड अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे जो है इनका जो ऑफिशियल जो चैट सपोर्ट, यहाँ पे आप सपोर्ट पोर्टल को देख पा रहे होंगे, तो सिंपली से आप सपोर्ट पोर्टल पे जाके जो है कंप्लेन कर सकते हैं। सो आपको जो है पाई की टीम की तरफ से रिसॉल्वमेंट हो जाएगी। सो आई होप, मैं समझ सकता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार क्रिप्टो से जुड़ी कोई अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। एंड टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सो आज के वीडियो में इतना ही कवर करना था, मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।